जय महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल अरुण घुमक्कड़ में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ज्योतिर्लिंग की यात्रा में लेके जा रहा हूँ जिसे विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोमनाथ आप कैसे आ सकते हैं, किन किन साधनों के माध्यम से आप सोमनाथ आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ दर्शन कैसे करेंगे, खाने की यहाँ क्या व्यवस्था है, रूम होटल धर्मशाला आपको रुकने के लिए सस्ता अच्छा इसमें से क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, और सोमनाथ दर्शन के बाद सोमनाथ के आसपास में घूमने के लिए कौन कौन से प्लेस बेस्ट है, और साथ ही आपका क्या टोटल खर्च आने वाला है, और कब आपको सोमनाथ आना चाहिए ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। बोलिए जय सोमनाथ। सबसे पहली बात, अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो आप किन किन साधनों से सोमनाथ पहुँच सकते हैं इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। सोमनाथ आने के लिए तीन साधन है। पहला साधन है ट्रेन, दूसरा साधन है बाय फ्लाइट, और तीसरा साधन है बाय बस। अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से तो सोमनाथ शहर में रेलवे स्टेशन की सुविधा है। यहाँ पर जबलपुर, इटारसी, भोपाल और उज्जैन से पहुँच पाना आसान है, क्योंकि सोमनाथ शहर देश के बहुत ही कम शहरों से रेलवे मार्ग द्वारा जुड़ा है। आप आपके शहर से राजकोट या अहमदाबाद की टिकट करा सकते हैं। राजकोट और अहमदाबाद पहुंचने के बाद आप वहां से बेरावल जंक्शन आना होगा। यहां से आप ऑटो लेकर 7.5 किलोमीटर दूर सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं वाई फ्लाइट तो सोमनाथ से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सोमनाथ से 200 किलोमीटर दूर है। आप अहमदाबाद पहुंच सकते हैं बस या ट्रेन से। ट्रेन से आप सोमनाथ के लिए अगर अहमदाबाद से आते हैं तो 9 घंटे आपको सोमनाथ पहुँचने में, वेरावल स्टेशन पहुँचने में लगेगा। अगर आप बस से सोमनाथ आना चाहते हैं तो आपको आपके शहर से बस लेनी होगी, उसका टिकट आपकी दूरी पर निर्भर करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी सोमनाथ यात्रा उज्जैन से प्रारंभ हो रही है, और उज्जैन से सोमनाथ के लिए हमने सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर की टिकट बुक की है, जो हमें 445 रुपये की है। हम इस ट्रेन में 18 घंटे की जर्नी करने वाले हैं। हमें यह ट्रेन रात के 11:45 से पूरे 18 घंटे बाद शाम को 5 बजे बेरावल जंक्शन पहुंचाएगी। दोस्तों हम बेरावल जंक्शन पहुंचने वाले हैं तो हमको सबसे पहले ऑटो लेना है। ऑटो लेने के बाद हमको डायरेक्टली जाना है सोमनाथ मंदिर और आसपास में रूम लेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको आगे की जर्नी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों हमने बेरावल जंक्शन से 150 रुपये में ऑटो कर लिया है, जो हमारे को सोमनाथ टेम्पल पहुँचा देगा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं, 150 रुपये में, और मिनी है इस प्रकार। वो तो खाली एजोटा के लिए देते हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत कराने नहीं जाऊँगा आपको। खाना खाओगे तो आप उल्टी करोगे, फिर गाली दोगे। यहाँ ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? मच्छी वो दतर है भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्मेल है। वो तो रहेगा ही भाई साहब, आप देखो ये टाइटैनिक खड़ा हुआ है, डूबा हुआ। दोस्तों अभी जो व्यू देखा आपने, यहाँ पर शिप का यार्ड है, यहाँ पर शिप पार्क करी गई है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सोमनाथ, अब हमको लेना होगा रूम, तो मैं आपको रूम की डिटेल बताता हूं। ये रूम है 1000 रुपये का नॉन एसी, इसी को अगर आप एसी करवाते हैं तो आपको ये पड़ेगा 1200 रुपये में। दोस्तों ये रूम है 1200 रुपये का, और ये 4 से 5 पर्सनों के लिए है। दोस्तों ये रूम है 1200 रुपये का, और अगर ये नॉन एसी का प्राइस है, और अगर आप इसको एसी करवाते हैं तो 1500 रुपये में आपको ये रूम मिल जाएगा। लेड वाइट अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी तक जो आपने रूम देखे हैं ये सारे के सारे होटल के रूम हैं, और अभी आप जो रूम देख रहे हैं ये 700 रुपये का नॉन एसी रूम है, और ये धर्मशाला का रूम है। बाकी के आपको मैं नंबर और सारे डिटेल आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, तो आप उस पर कॉल करके बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी रूम पसंद आता है तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। ऊपर देखो। दोस्तों रूम लेने के बाद अब हम जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन के लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ दर्शन करने का टाइम है सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ दर्शन के प्रोटोकॉल इस साल बदल चुके हैं। आप मंदिर के अंदर कोई भी गैजेट नहीं लेके जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, हैंड फ्री, एयरबड्स आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान मंदिर के अंदर ले जाना बैन है। आपके मोबाइल फ़ोन आदि सामान आपको मंदिर के सामने बने निःशुल्क काउंटर में जमा करना होगा। रखने के बाद टोकन लेना ना भूलें, इसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो यह भी यहाँ पर प्रतिबंध है, आपको दर्शन करने से मना कर दिया जाएगा। दोस्तों, दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मंदिर में दर्शन करने का टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक की है। इसमें आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे आरती होती है। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, सोमनाथ आने का, दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप पूरे वर्ष में मार्च और अक्टूबर के माह में अगर आप सोमनाथ आते हैं तो ये समय आपके लिए दर्शन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। आप यहाँ पर रश भी नहीं देखेंगे और आसानी से आपके दर्शन आप आराम से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं, आई होप आपने भी अच्छे से दर्शन किए हों। सोमनाथ मंदिर में लेजर लाइट शो होता है जो 45 मिनट का होता है। इसकी टिकट प्रति व्यक्ति 30 रुपये की होती है। अगर आप यहां पर आते हैं तो लेजर लाइट देखना ना भूलें, बहुत अच्छा शो होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहां पर मिलेंगी। ये पूरे दिन में 2 बार शुरू होता है, वो भी शाम के 7:30 से 8:15 तक एक शो चलता है, दूसरा शो 8:30 से 9:15 तक दूसरा शो चलता है। आपको जल्दी इसका टिकट लेना होगा जो कि लिमिटेड होती है, नहीं तो आप लेजर लाइट शो नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको खाने की व्यवस्था के बारे में बताता हूं। अगर आप फ्री में खाना खाना चाहते हैं तो आप पुराना सोमनाथ मंदिर के पास में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप यहां पर खाना खा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले वहां लेके चलता हूं। दोस्तों, दर्शन तो हो गए हैं, अब मैं आया हूँ खाना खाने। तो मैं आपको 2 जगह का एक्सपीरियंस बताऊँगा, एक जो निःशुल्क रूप से खाना फ्री में आप खाना कहाँ खा सकते हैं और वो कैसा होगा वो बताऊँगा, और दूसरा कि आप पैसे देके अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक टोकन लेना होगा। इस प्रकार से कुछ खाना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका टेस्ट मैं आपको खुद खा के बताता हूँ। दोस्तों, ये है फ्री का खाना, इसमें रोटी है, खिचड़ी है और आलू टमाटर की सब्जी है, और ये क्या है, अचार है, और ये रायता है। एक तरीके से प्रसाद है निःशुल्क रूप से, बाकी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। दोस्तों, खाने का टेस्ट ठीक है, निःशुल्क रूप से आप अगर खाना चाहते हैं, और आपका सोमनाथ का ट्रिप अगर आप कम बजट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां आ सकते हैं। बढ़िया है टेस्ट, अच्छा है, मेरा है टेस्ट बढ़िया बढ़िया। दोस्तों, ये निःशुल्क खाने की जगह बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के पास में है, 100 से 200 मीटर आपको दूर चलना होगा। किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो आपको इजीली यहां का पता दे देगा। दोस्तों, अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहते हैं, तो अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं, यहां पर ये मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर आप खा सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग खाना। यहां पर आपको 110 रुपये में भर पेट खाना मिलता है, अनलिमिटेड, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, और अलग से भी आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसका अलग चार्ज आपको देना होगा। दोस्तों, खाना खाने के बाद अब और आप कहां कहां घूम सकते हैं सोमनाथ में, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सोमनाथ मंदिर के आसपास में इन जगहों पर घूम सकते हैं। ये बस है जिससे आप पूरे सोमनाथ के आसपास में 12 जगह जो हैं वो आपको 30 रुपये में प्रति व्यक्ति ये बस घुमाती है। सुबह 8 बजे ये बस निकलती है सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने से, और दूसरी बार जो बस निकलती है वो बस दोपहर 2 बजे निकलती है। आप सुबह जल्दी जाकर इस बस में बैठ सकते हैं और पूरा सोमनाथ के आसपास का जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये आपको दो ही बस रहेगी, बार बार आपको बस नहीं मिलेगी, तो आप कोशिश करिएगा कि इसी बस से आप घूमें, नहीं तो आपको ऑटो में घूमने में 400 से 500 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो आपके लिए ऑटो बेस्ट है, तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, 400 से 500 रुपए में आपको वो घुमा देगा। हमने 400 रुपए में ऑटो किया है, तो चलिए अपन घूमते हैं और आपको मैं जगहों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों 12 जगह में सबसे पहली जगह ये है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और आप ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं इसमें देखेंगे और बहुत सारे तीर्थ स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मगर इसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना होगा। ये मैंने अभी छोटे छोटे क्लिप आपको दिखाए हैं, इसका एक फुल वीडियो आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए और आप उसकी भी अपडेट देख पाएँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं आपसे, बाकी और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हमारा ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से द्वारका, और द्वारका का हम आपको व्यू दिखाएंगे, मगर वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको पार्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा। मिलते हैं आगे, जय श्री महाकाल, जय श्री सोमनाथ। दोस्तों गंगेश्वर मंदिर में